एवरीवन, दिस इज अमायरा। आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 6th ऑफ जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 ऑफ कैब्रियल एंड एस ऑफ पेंटिकल। पैसों को लेकर के किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है। पैसे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज आपको देखने को मिल सकती हैं। काम की कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपके अपनों के साथ में थोड़ी सी बहस होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाजमी नज़र आ रहा है। ये लड़ाई जो है घर पर भी हो सकती है, वर्क प्लेस पर भी हो सकती है। किसी ना किसी अच्छी पेमेंट को जो है, अगर आपको उम्मीद थी कि आपको किसी क्लाइंट से कोई पेमेंट आनी है, काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी, बट आज आपकी वो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉनेटरी गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन वहीं पर इमोशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपका दिन। कलर की अगर हम बात करें तो रस्टी ऑरेंज लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 ऑफ माइकल एंड 3 ऑफ कप्स। एक तरफ जहाँ पर आपके परिवार में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मम्मी के साथ में फाइट हो सकती है, पापा के साथ बहस हो सकती है, बड़े भाई के साथ किसी चीज़ को लेकर के अनबन हो सकती है, वहीं पर दोस्ती यारी में आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, शॉपिंग करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन सेम टाइमिंग पे अपनी फैमिली के साथ में आपकी जो लड़ाई झगड़े वो आज बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी बॉस के साथ आज नहीं बनेगी, वर्क प्लेस पर भी कलीग्स के साथ में फाइट हो सकती है। तो जितना हो सके खुद को शांत रखिए, बिना किसी बात की उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे बात ज्यादा बढ़ सकती है, एक स्टेप पीछे ले लीजिए और उस लड़ाई से आप बच सकते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ राफिया लेंदी फूल। आज का जो दिन है वो मौज मस्ती से भरा दिखाई दे रहा है आपके लिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जो मन में आए आज आप वो कीजिए, ऐसी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, खास करके स्पेसिफिकली स्कूल फ्रेंड्स के साथ में आपकी वापस से मुलाकात हो सकती है। किसी नई जर्नी पर निकल सकते हैं, दोस्तों के साथ प्लान करके कहीं ट्रैवल के लिए भी आप जा सकते हैं। बहुत ही हैप्पी गो लकी वाला डे आपके लिए रहने वाला है। कलर की अगर हम बात करें तो मल्टी कलर्स आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 2 ऑफ एरियल एंड द चैरियट। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। कैंसर आपके लिए दो दो जगहों से पेमेंट रिसीव हो सकती है, दो दो जगहों पे मेहनत करके पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हो, नई गाड़ी खरीदते हुए भी नजर आ रहे हो। अगर नई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो कोई गाड़ी आज आप फाइनल कर देंगे, उसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो आज आपके पास से जा सकता है। कुछ के केसेज में आप यहाँ पर कोई वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, जिसमें भी आप रथ के ऊपर जो है यहाँ पर सवार हो सकते हो। लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो आप यहाँ पर। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट बोथ कलर्स आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर बात करूं तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि जो है लियो यानी कि सिंह राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं पीस एंड द हैंगमैन। आज का जो दिन है वो बहुत शांति भरा आपके लिए बीतने वाला है, यानी कि आप काम से छुट्टी लेने वाले हैं, खुद के साथ वक्त बिताएंगे, या फिर हो सकता है कि आज की छुट्टी लेकर के आप किसी ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आज का जो दिन है वो आप खुद अपने साथ बिताना चाहते हैं। हर काम में यहाँ पर वैसे भी डिले नज़र आ रही है, तो इट्स बेस्ट फॉर यू टू टेक अ ब्रेक एंड गो समवेयर एल्स नियर बाय। आप अगर पास्ट को लेकर के चिंता में है तो आज आप जो है फाइनली जब थोड़ी सी डिस्टेंस पे कहीं जाओगे तो पास्ट को रिलीज़ करने में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हो। कलर की अगर मैं बात करूँ तो पर्पल कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 ऑफ माइकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पूर्ण रूप से अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए मुझे आज आप नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस विजडम्स के साथ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका फ़ायदा आपको मॉनेटरी रूप में होने वाला है, यानी कि पैसे का फ्लो काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है आज आपके लिए। लोग आपको एक आइडियल के रूप में देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं कि किस तरीके से आप जो है इस लेवल पर अपनी लाइफ में पहुँच गए हो, कि सक्सेस की ऊँचाइयों को आप छू रहे हो। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट यू, दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। तो दिन है वो बहुत सुपर पॉजिटिव और अच्छा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ माइकल एंड द सन।
ब्यूटीफुल एनर्जी लीब्रा, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपका काम कोई ऐसा है जिसमें आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, सेलिब्रिटी हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, या फिर कोई सोशल फिगर भी हो सकते हो, है ना, आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हो, तो अगर आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है, पीपल आर जस्ट एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आप जो है चर्चा का विषय आज के दिन में बने हुए हो, आपकी कोई रील जो है वो ट्रेंडिंग में आ गई है। सो दिन जो है आपका बहुत पॉजिटिव होने वाला है, को लेकर के भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आपकी कोई ग्रैनी है, मतलब नानी है, मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली कि मदर की साइड, मदर की जो मदर है उनसे अगर वो अभी तक अलाइव हैं और आपको लोगों का बहुत अच्छा आना जाना है तो मुझे लगता है कि आपको उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए, उनके ज़रूर हालचाल आज आप फ़ोन करके पूछ लें, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कलर की अगर यहाँ पर बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो कार्ड से आपके लिए आए हैं एस ऑफ राफियल एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक तरफ प्यार की नई शुरुआत और दूसरी तरफ धोखा, 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 जी हाँ, धोखा मिल सकता है, लेकिन ये धोखा आपको वर्क प्लेस में मिल रहा है, पर्सनल लाइफ में नहीं मिल रहा। पर्सनल लाइफ के अंदर तो आप मुझे सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई नया पॉजिटिव अच्छा रिश्ता जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, एक अच्छे इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, बहुत प्यार करने वाले हैं आपको। टेन ऑफ सोर्ट्स ये भी बोल रहा है कि जो खत्म हो गई है ना चीज़ वैसे आपकी लाइफ में, या जो धोखा आपको मिला है वो ठीक ही मिला, आप डिजर्व भी कर रहे थे कहीं ना कहीं, बट ये धोखा मिलने की वजह से लाइफ में आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर पाओगे। काफ़ी लोगों को बैक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको बैक स्टैबिंग भी कर सकता है, यानी कि पीठ पीछे धोखा देना हम जिसको बोलेंगे, बट अंततः मैं बोलूँगी ये आपके लिए ठीक ही हो रहा है। कलर की अगर हम बात करें तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। कार्ड से आपके लिए आए हैं 5 ऑफ राफियल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पास्ट लवर इज कमिंग बैक इनटू लाइफ। पुराने टाइमिंग में तो उसने आपका दिल तोड़ दिया था, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है और आप स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं मदद कर देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। आपको बिल्कुल भी उसको हानि करनी चाहिए, बिल्कुल भी उसको माफ़ करके वापस से पैचअप नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे इसमें कोई भी सक्सेस दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले टाइमिंग में वापस से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आप वापस से दुखी हो गए, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्यों हमें दोबारा से रिपीट करना है ना। और होता भी क्या है, जब तक हमें पैटर्न समझ में नहीं आते ना लाइफ में, हम उसको रिपीट करते रहते हैं, वैसे ही लोग हमारी लाइफ में आते रहेंगे, हम दुख लेते रहेंगे, फिर वापस अपना दिल दुखाएंगे, फिर वापस किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे और फिर वही जर्नी चलती रहेगी। अगर आपको इससे बाहर निकलना है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है, तो यू हैव टू स्टॉप हिम और हर, डू नॉट गो बैक टू योर पास्ट लवर प्लीज। ये आपको अवॉइड करना चाहिए आज के दिन में। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो भी आज आप नहीं लेंगे, मुझे वहाँ पे उसके लिए भी पॉज दिखाई देता है। आज का दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए ठीक नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 100% अवॉइड कीजिए, बिल्कुल नहीं लेनी। कलर की हम बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कार्ड्स आपके लिए आए हैं नाइट ऑफ गैब्रियल एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोल सकती हूँ काम के मामले में तो बल्ले बल्ले वाला दिन है, बहुत ही प्रोडक्टिव डे है, गुड अमाउंट ऑफ मनी यू गोना अर्न। पैसे में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश के लिए दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये निवेश आप प्रॉपर्टी में कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कर सकते हो। आज का दिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग आ रहा है। कहीं पर ट्रैवल करने की बहुत दिन से इच्छा थी लेकिन मन को मार के बैठे थे काम के चक्कर में, आज फाइनली आपको राहत भी मिलेगी और आप उस ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। काम को लेकर के भी ट्रैवल यहाँ पर इंडिकेटेड है आपके लिए। घुड़सवारी का शौक रखने वालों के लिए आज अच्छा दिन है, आप भी जो यहाँ पर घुड़सवारी के लिए जा सकते हैं। जो लोग गोल्फ खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए भी दिन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कलर की अगर हम बात करें तो रस्टी ऑरेंज लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। वेरियस कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ राफियल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आज आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ तो ये है कि फैमिली के अंदर जो है वापस एक अच्छा बॉन्ड, पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों का ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा था, है ना, ऑलरेडी देयर वाज सम केस गोइंग ऑन, सम सेपरेशन गोइंग ऑन, तो वहाँ पे जो डिवोर्स जो है वो फाइनल हो सकता है, सेपरेशन भी जो है फाइनली लाइफ लॉन्ग आपके लिए फाइनल हो सकता है। डिवोर्स केसेस में एलिमनी अमाउंट देकर के आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकोगे, ऐसा ऑफर आज आपके पास में आएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत सारे लोगों के केस में एक नई शुरुआत भी होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं अपनी लाइफ में लेकिन एक सिंगल की लाइफ जी रहे हैं आज की डेट में, तो यहाँ पे मुझे रीमैरिज आप लोगों के लिए दिखाई देती है। किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है जो आपको आपके आने वाली लाइफ में बहुत खुश रखेंगे। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा।
पाइसिस यानी कि मीन राशि कार्ड्स आए हैं न्यू बिगिनिंग्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप काम को लेकर के कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिश्तेदारी में किसी की डेथ की न्यूज़ मिल सकती है, आपको वहाँ पर सडनली आज जाना पड़ सकता है। आपके कोई ऑलरेडी लव्ड वन जो है ऑलरेडी डिपार्टेड है तो आपका उनके साथ अचानक कनेक्शन हो सकता है, वो आपके सपनों में आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। जो भी मैसेज वो आपको दें आपने उनकी विश को फुलफिल ज़रूर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके सपने में आके हो सकता है कि वो आपसे डिमांड कर रहे हो कि उनको कोई सूट चाहिए है, कोई शेरवानी चाहिए, कोई खाने की चीज़ का मन कर गया, हो सकता है उन्होंने आपसे फॉर एन एग्जाम्पल जलेबी मांगी है, तो प्लीज़ अगले दिन उनके नाम से वो चीज़ का दान आप ज़रूर कर दें। कलर की अगर मैं बात करूँ तो पर्पल कलर लकी रहेगा, नंबर से अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही है, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू सो मच।